बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगी x into e की पावर x फंक्शन का डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे किया जाता है। तो बेटा, जिस भी फंक्शन का आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन करना है, सबसे पहले बेटा आप उसे fx मान लो। ठीक है, fx इक्वल टू हो गया x into e की पावर x। ठीक है, अब बेटा आपको ये फॉर्मूला लगाना है। इस फॉर्मूले के लिए आपके पास fx तो है, ये रहा, लेकिन बेटा आपको f x plus h भी चाहिए। तो बेटा हम यहाँ से निकाल सकते हैं, देखिए f x plus h, x की जगह बेटा आप ले लीजिए x plus h। तो बेटा f x plus h की वैल्यू पता चल जाएगी। देखिए किस तरह से, इस x की जगह बच्चों x plus h लिया e, और बेटा x की जगह x plus h। ठीक है, ये f x plus h, ये x plus h, बच्चों आप इसे लिख सकते हो e की पावर x into e की पावर h। ठीक है, अब बच्चों ये फॉर्मूला लगा देते हैं, d by dx fx, fx की जगह बेटा x into e की पावर x। ठीक है, ये इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो f x plus h, बेटा इसकी वैल्यू ये है, ये लिख लेते हैं x plus h e की पावर x e की पावर h। ठीक है, ये बच्चों माइनस f x, f x की वैल्यू बेटा ये है, इसे लिखो x into e की पावर x, और ये h। अब बेटा ये लिमिट h टेंड्स टू जीरो, बच्चों यहां से आप e की पावर x कॉमन निकाल सकते हो, तो ये कॉमन, यहां बचेगा बेटा x plus h e की पावर h, x plus h e की पावर h। ठीक है, यहां से e की पावर x कॉमन निकल गया, यहां बचा बेटा माइनस x, और ये अपॉन h। अब बच्चों इसे मैं कंप्लीट रफ में सॉल्व करके बताती हूँ, देखिए किस तरह से बनेगा, x plus h e की पावर h माइनस x और अपॉन h। ठीक है, इसे रफ में सॉल्व करके देख लेते हैं। e की पावर h का बेटा सबसे पहले अंदर मल्टीप्लाई, यहां करोगे तो ये हो जाएगा x e की पावर h के प्लस, इसमें करोगे तो बेटा ये हो जाएगा h e की पावर h, और ये बेटा माइनस x, और ये अपॉन h। ठीक है, अगली स्टेप में बच्चों यहां से आप x कॉमन निकाल सकते हैं। तो बेटा जब आप x कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा e की पावर h यहाँ माइनस वन, और ये बच गया h e की पावर h। ठीक है, अब अपॉन में जो h है बेटा उसे हम सेपरेट कर लेते हैं इस तरह। ठीक है, h से बेटा h भी कैंसिल, मतलब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा। तो बच्चों इसे लिख लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये बेटा e की पावर x, और ये बचा x e की पावर h माइनस वन अपॉन h, और ये प्लस e की पावर h। ठीक है, इसका सॉल्यूशन बेटा हमने ये लिया। ठीक है, अब बच्चों ये लिमिट h टेंड्स टू जीरो e की पावर x का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये x e की पावर x, ये बेटा e की पावर h माइनस वन अपॉन h, ये प्लस, यहां भी बेटा e की पावर x का मल्टीप्लाई करा। अब बच्चों इनमें हम अलग अलग लिमिट लगाएंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए, लिमिट बेटा h टेंड टू जीरो है, तो बच्चों ये दोनों हो जाएंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों हुए, क्योंकि बेटा यहाँ पे h नहीं है, h नहीं है मतलब कांस्टेंट है, लिमिट के बाहर कर सकते हैं। ठीक है, तो x e की पावर x मैंने बाहर कर दिया। ठीक है, तो लिमिट बेटा इस वाले पार्ट में लगेगी, यहाँ h है इसमें लग जाएगी लिमिट h टेंड्स टू जीरो e की पावर h माइनस वन अपॉन h। ठीक है, अब ये प्लस, अब बच्चों वही बात, इस वाले फंक्शन में भी आपको h नहीं मिल रहा, मतलब ये कांस्टेंट है, लिमिट के बाहर आ सकता है। तो बेटा e की पावर x बाहर हो गया है ना, और लिमिट बेटा इस वाले पार्ट में लगेगी, लिमिट h टेंड्स टू जीरो e की पावर h। अब बच्चों यहाँ ब्रैकेट लगा देते,
ये बेटा x e की पावर x। अब बच्चों लिमिट h टेंड टू 0 है e की पावर h माइनस 1 अपॉन बेटा इसकी वैल्यू होती है 1, तो बेटा इसकी जगह हमने यहां से लिख लिया 1, ठीक है। ये प्लस e की पावर x वैसे ही लिखा। अब बच्चों इस फंक्शन में हम लगा देंगे लिमिट, तो e की पावर 0 हो जाएगा, h की जगह बच्चों 0 हो गया। ये x e की पावर x ये लिखा, ये e की पावर x, e की पावर 0 बेटा 1 होता है तो ये 1 हो गया। अब बेटा इसमें से हम e की पावर x कॉमन निकाल लेते हैं, यहां से बच्चों x प्लस 1 मिल गया। इस तरह से बेटा x e की पावर x का फर्स्ट प्रिंसिपल से आज हमने डिफरेंशिएशन करना सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।